बेशक नमाज बेहद नमाज जरूरी है, नमाज जरूरी है, नमाज फर्ज है, लेकिन सुनो अब फिर चलो आशिक की बारगाह में चलते हैं। मैंने कहा किसी और की बारगाह में नहीं, सुल्ताने दिल्ली सैयदी सरकार महबूबे इलाही की बारगाह में, सरकार निजामुद्दीन औलिया महबूबे इलाही की बारगाह में, सरकार महबूबे इलाही अपने महफूजात में तहलील लिखते हैं सुभान अल्लाह, फरमाते हैं कि जो आयत है तो सलात कि नमाज मेरे आंखों में ठंडक है, ये आयत हकीकत में एक वाकया है, कहते हैं एक वाकया है, इस वाकये में अहले बैत की मोहब्बत है, इस वाकये में अहले बैत की अज़मत है। अब वो कैसे, अब जरा देखो सुभान अल्लाह, फरमाते हैं मेरे महबूबे इलाही रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि एक मरतबा प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनता घर पे और सय्यदा फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा नमाज पढ़ रही थी थोड़ी दूर पे, तो दरवाजे पे दस्तक होती है, आका करीम उठते हैं, उठने के बाद दरवाजे पे जाते हैं, खोलते हैं, देखते क्या है कि आपकी शहजादी सय्यदा फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की सहेली है। जब देखते हैं पूछते हैं क्या काम है बेटी, कहती है या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत फातिमा कहाँ, कहते हजरत फातिमा कहाँ है, आए हाय आप कहते हजरत फातिमा कहाँ है, मेरे आका इशारा करते कहते कुर्रतु ऐनी फिस्सलात, कुर्रतु ऐनी फिस्सलात, कहते हैं तुम पूछ रहे हो फातिमा कहाँ है, कुर्रतु ऐनी फिस्सलात, मेरी आंखों की ठंडक नमाज में। बेशक नमाज, लेकिन अपने अहले बैत देखो महबूब नजर औलिया की होनी चाहिए तभी नजर आता है, फकीर ही देख सकता है, जिसके दिल में अहले बैत की मोहब्बत हो वही देख सकता है, आकर फरमा रहे कुर रतु ऐनी फिस्सलात, अरे नमाज नमाज की बात करने वाले आका ने फरमा दिया कुर रतु ऐनी फिस्सलात, अरे देखो मेरे आंखों की ठंडक नमाज में है, आंखों की ठंडक नमाज में है, क्योंकि मेरे प्यारे आका ने फरमाया है कि फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। बहुत प्यारी बात बता दी, इससे पहले कराम सैयदा फातिमा की शान में आ गया, याद आए